हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और एक टॉपिक जो इसमें आपका रह गया है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ये आपका जो टॉपिक है इस बार हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंटरचेंज ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। मतलब जब इंटरगेटिव होता है तो कैसे असर्टिव चेंज करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का है, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे कि कैसे अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो कैसे इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो हेडिंग रहेगा आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस कई प्रकार का होता है, मान लेते हैं इसको पढ़ा लेते हैं, और पढ़ा नियम क्या है कि मान लेते हैं कि वाक्य आपका अफर्मेटिव है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू है, ओनली से शुरू है या किससे शुरू है, एलोन से, है ना, ओनली या एलोन से। तो जब ऐसे वाक्य को जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो उन दोनों शब्दों को हम किससे बदल देंगे, नन बट में बदल देंगे, नन बट। जैसे ही ओनली या एलोन आएगा, अब जब उसको नेगेटिव चेंज करेंगे तो ओनली या एलोन के स्थान पर हम नन बट का उपयोग कर देंगे, और इसके बाद ओनली या एलोन के बाद जो शेष वाक्य आएगा उसको आगे जोड़कर हम लिख देंगे। जैसे राम एलोन रोक द बो, इस तरीके से एग्जाम्पल है आपका, राम एलोन रोक द बो मीन्स राम ने अकेले धनुष को तोड़ा। अब यहाँ पे क्या आ गया, एलोन, तो ओनली या एलोन आया, तो सबसे पहले हम ओनली या एलोन को नन बट में बदल देंगे, और जैसे ही ओनली या एलोन के स्थान नन बट का उपयोग करेंगे जो वाक्य का शेष भाग बचेगा आगे लिख देंगे, राम रोक द। अब जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया राम एलोन रोक द बो मीन्स राम ने अकेले धनुष को तोड़ा। इसका मीनिंग क्या हो गया, नन बट, कोई नहीं सिवाय किसके, राम के, कोई नहीं सिवाय राम के धनुष तोड़ा, मतलब राम ने अकेले धनुष को तोड़ा। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ओनली गुड स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स, ओनली गुड स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स, मतलब केवल अच्छे छात्र ही अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। तो ओनली आ गया हम, तो ओनली गुड किस में बदल देंगे, नन बट बदल देंगे, यहाँ हो जाएगा नन बट स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स, कोई नहीं केवल कौन, गुड स्टूडेंट्स अच्छे छात्र ही क्या करते हैं, गेट गुड मार्क्स। ठीक, अब मान लेते हैं उसी तरीके से दूसरा नियम एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि वाक्य किसने दिया है, पास्ट इंडिकेटिव, पास्ट इंडिकेटिव दिया गया है और उसको हमको चेंज करना है नेगेटिव में, तो ऐसी स्थिति क्या करेंगे हम, इसको डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिकेटिव में है, तो सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे आई सा द ताज लास्ट ईयर,
आई सा द ताज लास्ट ईयर, मीन्स मैंने पिछले साल ताजमहल देखा। तो क्या करेंगे, कभी कभी देखते हैं कि जो आपको निगेटिव चेंज करना होता है तो आई टिक का फिर कंप्लीट कर देंगे जब आपके पास्ट इंडिपेंडेंस रहेगा। सब्जेक्ट में करेंगे ये पास्ट इंडिपेंडेंस है तो डिड नॉट फिर कंप्लीट कर देंगे। उसी तरीके से तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है तो डू नॉट और डज नॉट फिर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि डू नॉट का प्रयोग हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जब प्लुरल होता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ये पास्ट इंडिपेंडेंस थी तो लेके ही आते हैं हम डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देंगे आई डिड नॉट फेल। और क्या करेंगे, जो जैसे ही डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देंगे ये जो क्रिया थी ये इसको हम इन्फिनिटी में बदल देंगे। इसका इन्फिनिटी क्या होता है, इसको हम फर्स्ट वर्ब करेंगे, इसका फर्स्ट वर्ब क्या होगा सी हो जाएगा और इसके पहले क्या हो देंगे टू हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी द टास्क। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, और एग्जाम्पल से उसको हम कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।